वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ मार्क्स साइंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी तुम लोग का एग्जाम में मार्क्स बोल के आता है, कभी कभी साइंस या कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी बोल के आता है। मतलब कि किसी का अगर मेमोरी अच्छा है तो हम लोग को पता कैसे चलेगा या किसका मेमोरी हम लोग अच्छा बोलेंगे। तो इसका कुछ कंडीशंस है, यहाँ पे चार पॉइंट्स लिखा गया है। तुम लोग एक एक लाइन ये हेडिंग देके एक एक लाइन एक्सप्लेन कर सकते हो अगर ज्यादा मार्क के लिए आता है। तो ये चार पॉइंट्स ही है जिससे हम लोग को पता चल सकता है कि किसका मेमोरी अच्छा है। तो फर्स्ट है एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इजीली। तो इसका मतलब है कि जिन स्टूडेंट्स या कोई भी लोग कोई भी चीज इजीली और क्विकली लर्न कर पाए, कोई भी चीज तुमको सीखने दिया जाए तुम इजीली उसको कैप्चर कर पाओ या जल्दी से सीख पाओ। रैपिडली सीखना एक कंडीशन है या मार्क्स है गुड मेमोरी का। तुमको अगर कुछ पढ़ने दिया जाता है ज्यादा टाइम नहीं लेते हो सीख जाते हो, मतलब तुम्हारा मेमोरी पावर अच्छा है। क्योंकि मेमोरी थोड़ा बहुत याद रखना सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लेकिन अच्छा उनका बोला जाता है जो इजीली और क्विकली सीख पाता है, उतना एफोर्ट नहीं करना पड़ता है। तो फर्स्ट मार्क्स है एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इजीली। इसका डिस्क्राइब तुम एक दो लाइन में कर सकते हो। सेकेंड है लॉन्ग रिटेंशन। लॉन्ग रिटेंशन मतलब याद रखने का ड्यूरेशन जो है वो अगर ज्यादा टाइम तक तुम याद रख पाते हो तो बोला जाता है तुम्हारा मेमोरी पावर अच्छा है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का देखा जाता है कि अगर कुछ चीज सीखे हो तुम फाइनल तक याद नहीं रख पाते या पढ़े थे भूल जाते हो, भूलने का जो प्रॉब्लम है वो एक्सम स्टूडेंट्स का देखा जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लॉन्ग रिटेंशन अगर किसी स्टूडेंट्स में है या ज्यादा देर तक वो लोग क्या कर पाते हैं याद रख पाते हैं तो लोग बोल सकते हैं उसका मेमोरी अच्छा है। लॉन्ग रिटेंशन मतलब ज्यादा टाइम गैप बीच में रहेगा फिर भी याद रख पाएगा चीजें एक बार पढ़ के। ज्यादा बीच बीच में प्रैक्टिस सबको करना होता है, लेकिन ज्यादा टाइम तक अगर वो चीज याद रख पाता है तो हम लोग बोल सकते हैं वो मेमोरी पावर अच्छा है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू सॉल्व। एबिलिटी टू सॉल्व मतलब तुम अगर सॉल्व कर पाओ, मतलब सपोज तुम एक क्वेश्चन से सीख के गए थे वो एग्जाम में आया और तुम सही तरीके से लिख पाओ, सही टाइम पे सही चीज रिप्रोड्यूस करना ही एबिलिटी टू सॉल्व है। उसका मतलब है कि जो चीज आया है टू द पॉइंट तुम लिख पाओ, ऐसा नहीं कि तुम सीखे थे लेकिन लिख नहीं पाए हो, सही टाइम पे सही चीज रिप्रोड्यूस या रिमेम्बर नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एबिलिटी टू सॉल्व मतलब सही टाइम पे सही चीजें याद रखना। लास्ट है क्लियर एंड क्विक रिकॉग्निशन। तो अगर तुम जल्दी से मेमोराइज कर पाते हो, सपोज एग्जाम का एग्जाम्पल मैं बार बार दे रही हूँ तो तुम लोग रिलेट कर पाओगे। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया है तुम लोग जल्दी से उसको याद कर पाओ या रिकॉग्नाइज कर पाओ कि हाँ ये क्वेश्चन आंसर मुझे पता है, मुझे ये मतलब आता है, मैं सीखी थी, तो वो क्या होगा क्लियर एंड क्विक रिकॉग्निशन। ज्यादा टाइम ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन आया है वो पढ़ कर भी आए थे लेकिन याद नहीं कर पाए या वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे कि वही क्वेश्चन आया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी का मेमोरी पावर अच्छा है तो उसका क्या होगा क्लियर एंड क्विक रिकॉग्निशन, वो जल्दी से रिकॉग्नाइज कर पाएगा या चीजें याद रख पाएगा जल्दी से। तो यही सारा पॉइंट्स है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि किसका मेमोरी पावर कैसा है। तो फर्स्ट क्विक जो लोग इजीली और क्विकली सीख सकते हैं लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो लोग ज्यादा देर तक टाइम गैप या ड्यूरेशन ज्यादा देर तक क्या करता है दिन तक याद रख पाता है। नेक्स्ट है सही टाइम पे राइट मोमेंट पे राइट चीज याद रखना या रिमेम्बर करना। लास्ट है जल्दी से उसको क्विकली और पूरा क्लियर रिकॉग्निशन, मतलब तुम सीखे थे उसको अनचेंज्ड वो करना। ऐसा नहीं कि तुम कुछ सीखे थे पूरा अलग से ही लिख के आए, ऐसा नहीं। क्लियर एंड क्विक रिकॉग्निशन मतलब अनचेंज्ड तुम जल्दी से जब उसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे। तो यही सारा साइन है गुड मेमोरी का। ठीक है, आज एक छोटा टॉपिक है, बस इतना ही है वीडियो का। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बोल देना अगर कुछ और जानना चाहते हो या और टॉपिक पढ़ाना मतलब चाहिए तो तुम लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, मतलब किस वजह से हम लोग भूलते हैं। रिक्वेस्टेड वीडियो है, कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।